विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। पहला समीकरण आपका दिया और ये दूसरा समीकरण है। विलोपन विधि से हल करने के लिए एक्स या वाई का गुणांक हम बराबर करते हैं, तो वाई का ही गुणांक हम बराबर करते हैं, तो वाई का गुणांक यहाँ पर 3 है और वाई का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो यदि समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे और तो वाई का गुणांक आपका बराबर हो जाएगा। तो 3 से इन तीनों पदों में हम गुणा कर दिए, तो ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 को ऐसे ही हमने लिख दिया, वाई का गुणांक 3 है और यहाँ पर भी वाई का गुणांक 3 हो गया। और इन दोनों का चिन्ह विपरीत है, जब दोनों का चिन्ह विपरीत रहेगा तो समीकरण को जोड़ते हैं, जब गुणांक बराबर रहता है चिन्ह समान रहता है तो समीकरण को घटाते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा। दोनों पदों को जोड़ेंगे तो 5x, इसको जोड़ेंगे तो 19, 5 से ले जाकर भाग दे देंगे तो x बराबर 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 19/5, x के जगह पर 19/5 प्लस y बराबर 5। y को यहीं पे रखेंगे और 19/5 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो 25 माइनस 19 पूरा के बटे ये 5, 25 में से 19 को घटाओगे 6/5, तो y का मान 6/5 और x का मान 19/25। इस तरह ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ।